अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये ईटा पीएसटी 2019 का मुकम्मल हल शुद्दा पेपर है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाले टेस्टों की तमाम हल शुद्दा पेपर और तैयारी के लिए हम आपके साथ मवाद शेयर करते रहेंगे। तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। ये पीएचडी का पेपर है 2019 का। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है ये है मैथ का क्वेश्चन है, 3x + 6y + 4x। ठीक है, इसको आपने सिंपली ऐड करना है। इजी क्वेश्चन है। 4x + 3x 7x और 6y, एक्स और वाई को अलग अलग करना होता है अपने। ये ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है x3 = 64। तो इसका अपने ये क्यूब, x3 क्या होता है, क्यूब होता है, तो 4 का क्यूब 64 होता है और x3 है। ठीक है, क्यूब और स्क्वायर का अलग अलग टॉपिक है। इंशाल्लाह इसको अलग कवर करेंगे, फिलहाल अब इतना ही करते हैं। तो इसका आपने क्यूब रूट लेना है दोनों साइड पे, ये इसके साथ कट जाएगा, ये इसके साथ, तो x = 4 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है, द डाउनफॉल ऑफ मुस्लिम रूल इन इंडिया स्टार्टेड विद द डिमाइस ऑफ एम्परर औरंगज़ेब। मुसलमानों का जवाल किस बादशाह के साथ शुरू हुआ था, जब उसका खात्मा हुआ तो औरंगज़ेब। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ठीक है। नेक्स्ट है, एट प्राइमरी लेवल इट इज़ बेटर टू टीच इन मादर टंग। प्राइमरी लेवल पे मादर टंग या मादरी जबान में सिखाना क्यों ज़रूरी होता है? तो ये क्वेश्चन जो है इसमें थोड़ी मिस्टेक है। असल क्वेश्चन ये, इसकी ऑप्शन ठीक नहीं है। तो इसमें राइट ऑप्शन है, इट हेल्प्स चिल्ड्रन इन लर्निंग देयर नेचुरल एटमॉस्फेयर। वो अपनी कुदरती जो उनका माहौल होता है उसमें सीखने में उन्हें मदद मिलती है। ऑप्शन नंबर डी ठीक है। इस पेपर में हम डिटेल में नहीं जाएंगे, मतलब जो एमसीक्यूज है वो जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो हम बेसिकली आपको सिर्फ आंसर बताएंगे और थोड़ा बहुत तक जहाँ पे ज़रूरत होगी एक्सप्लेन करेंगे। इसके अलावा ये वीडियो पार्ट्स में भी हमने सॉल्व किया, वहाँ पे हमने एक्सप्लेन किया हुआ है मैथ्स और जो साइंस वगैरह के क्वेश्चन हैं। इसके बाद है, इज़ इसेंशियल पार्ट ऑफ एप्लीकेशन एंड लेटर। इसमें योर्स ओबिडेंटली राइट है, वैसे तो हम ये लिखते हैं लेकिन ये गलत है। इसमें राइट ऑप्शन जो है ऑप्शन बी है, योर्स ओबिडेंटली ठीक होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, समन हैज़ ब्रोकन योर पेन। तो करेक्टिव पैसे वाइज बताना है आपने, एक्टिव पैसे वाइज, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंसेज और प्रीपोजिशन, ये जो है ईटा के पेपर के लिए ज़रूर तैयार करें। ठीक है, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या है, ये है ऑप्शन नंबर ए, ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो इसका हैज़ बीन आ जाएगा। ठीक, पेन हैज़ बीन ब्रोकन। नेक्स्ट है, डेंटल एमलगन इज एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड इन सॉलिड। ये किस किस की एग्जाम्पल है? इसके बाद है, वर्क डन विल बी ज़ीरो व्हेन द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज। वर्क का फार्मूला होता है एफ इन टू डी। ठीक है, अगर इनके दरमियान 90 डिग्री का एंगल है तो ये ज़ीरो हो जाएगा, अगर 0 डिग्री का एंगल है तो ये वर्क मैक्सिमम होगा। ठीक है, ये वर्क का फार्मूला है, फोर्स इंटू डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। तो अगर 0 है तो वर्क मैक्सिमम होगा, ये भी याद रखें। ठीक है, मैक्सिमम वर्क 0 एंगल पे होता है। नेक्स्ट है, केमिकली एंटीबॉडीज आर, ये है प्रोटीन्स, उनका नेचर क्या होता है, प्रोटीन होती है। इसके बाद है, वैल्यू ऑफ एक्स इन द एक्सप्रेशन 2x - 6, तो 2x = 6 हो जाएगा और x = 3 हो जाएगा, ये है ऑप्शन नंबर बी ठीक। इसके बाद है, 3/8 of 40, किसी भी नंबर का अगर हाफ आएगा तो उसको आपने सिंपली मल्टीप्लाई करना है उस नंबर के साथ। ठीक है, 8 5 40, 5 3 15, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ठीक होगा। इसके बाद, द प्रॉब्लम ऑफ ड्रॉप आउट, ये पेडागॉजी के क्वेश्चन है, इन विच स्टूडेंट्स लीव देयर स्कूल इन अर्ली कैन बी टैकल्ड। अगर स्टूडेंट्स स्कूल जल्दी छोड़ जाते हैं अपनी एजुकेशन तो उसके बेहतर तरीका क्या है? ऑप्शन नंबर ए, रिडक्शन ऑफ वेट ऑफ करिकुलम, सिलेबस को कम किया जाए, सिंपैथी ऑफ टीचर, टीचर की सिंपैथी, इनकरेजमेंट ऑफ द स्टूडेंट, अट्रैक्टिव इन्वायरमेंट ऑफ द स्कूल। तो इसका ऑप्शन है इनकरेजमेंट ऑफ द स्टूडेंट, स्टूडेंट की हौसला अफजाई की जाए। ठीक है, राइट ऑप्शन इसका ये बनता है। नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट सेंटेंस, हुम डू यू विश टू पनिश। इसमें हुम डू यू विश, क्योंकि किसी बंदे के लिए आप कोई यूज़ करें तो उसको हुम कहते हैं, क्या उसको आप पनिश करना चाहते हैं किसी के बारे में अगर हो।
इसके बाद ही सेड टू मी व्हाई यू हैव यू कम लेट, ये इसका करेक्ट इनडायरेक्ट बताना है आपने। फिलहाल हम ऑप्शन बता देते हैं, बाद में एक्सप्लेन करेंगे जब इनको हम बारी बारी करेंगे, इन सारे टॉपिक्स को कवर कर लेंगे बाद में वीडियोज़ में, ठीक है। यही आस्क मी व्हाई आई हैड कम लेटर, हैव जो हैड में कन्वर्ट होता है, ठीक है, तो इसमें ऑप्शन ए ठीक होगा। नेक्स्ट है हाइड्रोजन बॉन्ड डज नॉट एग्जिस्ट इन HCl, HCl में आयनिक बॉन्ड होता है, बाकियों में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ठीक है। ये भी केमिस्ट्री का टॉपिक है, जिन्होंने केमिस्ट्री नहीं पढ़ी या मैट्रिक में साइंस नहीं पढ़ी उनको मुश्किल होगी थोड़ी। इसके बाद इफ़ द लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम इज फोर टाइम्स टाइम पीरियड विल बी, अगर लेंथ चार गुना बढ़ाएगी तो टाइम पीरियड कितना बढ़ेगा। टाइम पीरियड का फार्मूला बता देता हूँ, 2π L/g, ये अंडर रूट होता है, ठीक है। तो अगर आप इसको चार गुना बढ़ाएंगे तो ये दो गुना बढ़ेगा क्योंकि अंडर रूट में है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है सेल ईटिंग फिनामिना इज कॉल्ड फेगोसाइटोसिस, ठीक है। नेक्स्ट है द ज़ीरो इज़, ये सेट है लेकिन ज़ीरो इसका एलिमेंट है, एम्प्टी सेट नहीं है, तो इसको एक एलिमेंट है इसमें चूंकि, तो इसको सिंगलटन सेट कहते हैं। नेक्स्ट है 3/8 + 4/2, ये तो 3/8 + 4/2 अगर आप करेंगे तो इसके जो एलसीएम है वो 8 आ जाएगा। 3 + 4 × 4/4 = 16 होता है, 4 × 4 = 16 हो जाएगा, तो 3 + 16 = 19/8, ठीक है। ये भी आप अलहदा से कर सकते हैं, मैं डिटेल में नहीं जा सकता ज़्यादा। नेक्स्ट है अंडर इंडस वाटर ट्रीटी जो सिंध तास माहिदा हुआ था उसमें पाकिस्तान को कौन से दरिया मिले थे। पाकिस्तान को मिले थे चनाब, जेहलम और इंडस, यानी कि सिंध। इसके बाद है पाकिस्तान इज़ लोकेटेड एज ए लिंक बिटवीन इस्लामिक कंट्रीज, ठीक है, ये ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा, लिंक रबते के तौर पे है। इसके बाद इंस्टीट्यूशन प्लानिंग शुड बी बेस्ड ऑन, इंस्टीट्यूशन प्लानिंग जो किसी भी इदारे की प्लानिंग या मनसूबाबंदी वो किस भी चीज़ में मुनासिर होनी चाहिए, एम या नीड्स, मकासद और ज़रूरियात की बिना पर, ठीक है। इसके बाद 2 and 2 make 4, तो इसमें राइट वर्ड क्या है, ये एंड क्या है, ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन इसे बोलते हैं। इसके बाद है लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडीज़, लिवर जो है जिगर सबसे बड़ा ग्लैंड है। एक चीज़ आपको बता चलूँ कि मार्केट में कुछ गाइड मिल रही हैं, ठीक है, जिसमें ये पेपर सॉल्व किए गए हैं, लेकिन उनकी हमने ऑप्शन चेक किए हैं, अक्सर क्वेश्चन के आंसर मतलब अगर 20 to 15% उनके आंसर गलत हैं दिए गए हैं किताबों में, ठीक है, उन्होंने वेरीफाई नहीं किया, ठीक है, उन्होंने वैसे ही उन्हें बुक तो छाप दिया लेकिन उसके आंसर अक्सर के गलत हैं, तो इसमें जो हमने आंसर बता रहे हैं वो ठीक है, हमने इसको वेरीफाई किया हुआ है, ठीक है। इसके बाद 20 men can finish work in 20 days working 5 hours a day, टू फिनिश द सेम वर्क इन 10 days working 8 hours a day द मिनिमम नंबर ऑफ मैन, 250 बंदे अगर 20 दिनों में काम ख़त्म करते हैं और 5 घंटे डेली काम करते हैं, तो वही काम 10 दिनों में अगर 8 घंटे काम करें तो कितने बंदे चाहिए होंगे, ठीक है, सेम वर्क को ख़त्म करने के लिए। तो इसके लिए जो इसको हमने अलहदा से किया, ये काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है, ठीक है, ये इसकी ऑप्शन है, ठीक है, ये हमने नेट से लिए ये क्वेश्चन, ये वो मौजूद था। तो इसको आपने करना कैसे, अगर चूंकि इसमें एक चीज़ कम हो रही है दूसरी बढ़ रही है, ठीक है, तो ये इसको टाइम ले, डे और टाइम को आप सिंपली टाइम ले और इसको मैन, ठीक है, तो इसको आपने इस तरह लें एम और डी, M1 D1 और M2 D2, अगर एक चीज़ बढ़ रही है और दूसरी भी बढ़ रही है तो आपने इस तरह उसको लिखना है M1 D1 / M2 D2 =, चूँकि इसमें एक चीज़ बढ़ रही है दूसरी कम हो रही है तो इसको आपने डायरेक्ट लिखना है। तो ये मैन है, ये डेज है, ये टाइम है, एक टाइम पे 250 बंदे, 20 दिन 5 घंटे, तो 10 दिन 8 घंटे और कितने बंदे चाहिए, ठीक है, दोनों को अपने बराबर, तो इस इक्वेशन से आप इसे निकाल लेंगे, ठीक है। इसका आंसर आता है 312.5, ऑप्शन में 312 और 313 दोनों मौजूद है, लेकिन इसका राइट आंसर क्या है, 313, क्योंकि 312.5 दिन चाहिए, 312 और दिन और एक आधा दिन और,
तो उससे काम दिन में तो काम कंप्लीट नहीं हो सकता, लेकिन उससे जो बढ़ जाए तो कोई मसला नहीं है। तो इसके लिए इसका आंसर इसलिए 313 आता है, ठीक है। तो इसको हम डिटेल में हमने वीडियो में समझाया हुआ है, जो हमने मैथ के पार्ट के लिए की थी वीडियो अलहदा से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर हो गया, 38 नंबर क्वेश्चन है, विच द फॉलोइंग इज़ ए फैक्टर ऑफ 36। फैक्टर क्या होता है, किसी भी नंबर पे अगर वो कोई नंबर तकसीम हो तो फर्ज़ करो 36 जो है ये 6 भी तकसीम होता है, ये 8 पे भी तक 9 पे भी तकसीम होता है, और ये 4 पे भी तकसीम होता है। सॉरी, 36 जो है 4 पे भी तकसीम होता है, 4/36 9 आता है, 6 पे भी तकसीम होता है, 36/4 6 आता है, और 12 पे भी तकसीम होता है। तो ये तीनों इसके फैक्टर बनते हैं, ठीक है। कोई भी नंबर दूसरे नंबर पे तकसीम होता है तो वो उसका फैक्टर बनता है। तो इसमें ऑप्शन डी ठीक है, 1, 2 और 3 16 पे तकसीम नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन जाने बढ़ते हैं। द कार वॉज जस्ट ड्राइविंग अलॉन्ग नाइसली, ऑप्शन नंबर ए ठीक है इसमें, ठीक है, ड्राइविंग अलॉन्ग। इसके बाद है विल यू डू मी ऑनर, ऑप्शन नंबर इसमें बी ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जाने बढ़ते हैं। सॉरी, ये क्वेश्चन हमसे रह गए थे, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ये हमने छोड़ दिए थे, क्योंकि हम आगे चले गए थे। तो ये क्वेश्चन अभी रहते हैं 26 नंबर, ये सारे इससे पहले हमसे रह गए थे। ही क्विट्स द कंट्री ऑन हिज विल, ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। इसके बाद लाइफ इन ए विलेज इज कॉल्ड रूरल लाइफ, ठीक है। इसके बाद है शी वॉज सेविंग इन द लाइट ऑफ लैम्प, ये सारे प्रीपोजिशन के क्वेश्चन है, ठीक है, ये जो हम कर रहे हैं। इसके बाद है 29 नंबर इज़ ग्रोन ऑल ओवर पाकिस्तान, वीट इज़ ग्रोन ऑल ओवर पाकिस्तान, ठीक है। गंदम जो पूरे पाकिस्तान में काश की जाती है। इसके बाद इन विच यूनिवर्सिटी माइक्रो टीचिंग स्टैंडर्ड इज स्टार्टेड इन 1961, ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है, ठीक है। 26 हो गया, 27 हो गया, 28, 29, 30 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है 31, सम पुट ऑफ सम मनी फॉर द हार्ड टाइम, कुछ पैसे बचा के रखो कठिन हालात के लिए। इसके बाद है कुरक स्पेलिंग बताएं, एरिस्टोक्रेसी जो है ये कहते हैं अशराफिया या उमरा को, तो राइट स्पेलिंग ये ऑप्शन ए में है। इसके बाद ये तो फॉलोइंग इज कॉल्ड एरिस्टोटल ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड, किसको मुसलमान दुनिया का एरिस्टोटल या अरस्तु कहा जाता है, तो ये है इब्न सीना, ऑप्शन नंबर सी ठीक है। इसके बाद द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर इज़ ये है 0.1 मिलीमीटर, ठीक है, या 0.01 सेंटीमीटर भी कैसे कहते हैं। इसके बाद द मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड प्रेजेंट इन द सेल, सबसे ज़्यादा जो सेल में कंपाउंड है ये वाटर, ऑप्शन डी ठीक है। इसके बाद है द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 2500, 2500, द एलसीएम इज 125, व्हाट विल बी देयर एचसीएफ। तो इसका फार्मूला क्या होता है, एल सी एम ज़रब एच सी एफ, ठीक है, दो नंबर ये किसके बराबर होता है, दो नंबर के प्रोडक्ट के बराबर या उसके मल्टीप्लिकेशन के बराबर, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ नंबर इज इक्वल टू एल सी एम बाई एच सी एफ, तो एच सी एफ हमें मालूम नहीं है, तो एल सी एम इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है, इस पर डिवाइड हो जाएगा। तो प्रोडक्ट जो है 2500 है, 2500 डिवाइड बाई 125, तो ये आ जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर ए ठीक। इसके बाद द नंबर वन इज़ ये प्राइम कंपोजिट बोथ ए एंड बी नेचुरल, ऑप्शन नंबर सी ठीक है, ये नेचुरल नंबर, ना ये कंपोजिट है ना ये प्राइम नंबर है। कंपोजिट प्राइम नंबर के लिए कम से कम दो फैक्टर होने चाहिए, इसे सिर्फ एक भी तकसीम होता है तो इसके कोई और फैक्टर नहीं बन रहा, तो इसलिए इसे ना प्राइम है ना ये कंपोजिट है, कंपोजिट के दो से ज़्यादा फैक्टर होने चाहिए, इसमें ऑप्शन सी ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमसे रह गए थे, दोबारा हमने किए हैं, ये तो हो गए थे, ठीक है। इसमें ऑप्शन डी ठीक है, इसमें ऑप्शन ए ठीक है, इसमें ऑप्शन बी ठीक है, ये हमने ऑलरेडी कर लिए थे। तो ये क्वेश्चन है, इसके बाद द स्लोप ऑफ इलास्टिक टाइम ग्राफ, ठीक है। स्लोप ऑफ इलास्टिक टाइम ग्राफ क्या है, इसको बोलते हैं
एक्सेलरेशन, ठीक है। ये किस तरह होती है, ये स्लोप होती है, ये वेलोसिटी है, ये टाइम है, ठीक है। इसको कहते हैं एक्सेलरेशन। अगर डिस्टेंस और टाइम का पूछा जाए, द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज कॉल्ड, तो ये स्पीड होता है, ठीक है। वेलोसिटी टाइम को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम या डिस्टेंस टाइम, ये स्पीड या वेलोसिटी एक चीज़, या स्पीड या वेलोसिटी, ठीक है, एक ऑप्शन ठीक होगी अगर इसमें आपसे पूछा जाए कि डिस्टेंस टाइम या डिस्प्लेसमेंट टाइम, तो उसमें वेलोसिटी या स्पीड एक चीज़, उस वो ऑप्शन ठीक होगी। लेकिन यहाँ पे चूंकि वेलोसिटी टाइम पूछा है, तो उसका राइट ऑप्शन एक्सेलरेशन है। इसके बाद है द टोटल नंबर ऑफ अमाइनो एसिड इन इंसुलिन। इंसुलिन में टोटल अमाइनो एसिड 51 होते हैं। इसके बाद द सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1, 2, 3, ये 4, 5, ये सारे नेचुरल नंबर। पहले 10 को अगर आप जमा करें, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, तो इसका 55 आंसर आता है। इसके बाद है द सम ऑफ स्क्वेयर ऑफ टू नेचुरल कंजेक्टिव ऑड नंबर इज 394। द सम ऑफ नंबर इज, तो ये सम दो नंबर है उनके स्क्वायर का मजमूआ पूछ रहा है, ठीक है। तो ये काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन है, FSC या इससे भी हायर लेवल का क्वेश्चन है, आउट ऑफ कोर्स इसे कह सकते हैं, बहुत मुश्किल क्वेश्चन है। तो इसको हमने अलहदा से सॉल्व किया है, ठीक है। इस किस्म का क्वेश्चन है, दो कंजेक्टिव नंबर, एक एक्स और दूसरा एक्स प्लस टू, आपने कंसिडर करने हैं खुद से। एग्जाम्पल, फॉर एग्ज़ाम्पल, फ़र्ज़ करो एक नंबर 7 है, तो दूसरा क्या होगा, इसमें 8 नहीं आएगा, 9 आएगा, तो इसमें प्लस 2 आपने जमा करना है, क्योंकि इसमें सिर्फ ऑड नंबर या ताक नंबर आपने कंसिडर करने हैं। तो एक एक्स हो जाएगा इसका स्क्वायर, दूसरा एक्स प्लस 2 का स्क्वायर, और ये किसके बराबर, 394। ये क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है, तो आपने इसको ओपन करना है, ठीक है। तो ये मैथ का क्वेश्चन है, जिन्होंने मैथ पढ़ी उसको समझ आएगी। आपने इस पे आखिर में फैक्टराइजेशन करनी है, ये भी काफ़ी अलग टॉपिक है मैथ में, इतना आसान टॉपिक नहीं है फैक्टराइजेशन। जिन्होंने नहीं पढ़ी मैथ उनको समझ नहीं आएगी। एंड पे आपके पास आंसर आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू -15 और 13। तो आपने माइनस वाले को कंसिडर नहीं करना, एक्स इज इक्वल टू 13 आ जाएगा, और दूसरा नंबर क्या है, एक्स प्लस टू है वो 15 आ जाएगा। तो दोनों को अगर स्क्वायर को जमा किया जाए, ठीक है, 13 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, तो ये आता है 169 प्लस 225, 225, तो इसका आंसर 394 के बराबर आता है, ठीक है, जो क्वेश्चन में गिवन है। तो नंबर कौन से आ जाएंगे हमारे पास, 13 प्लस 15 इनका जमा पूछ रहा है वो, तो ये 28 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 28, ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा इसमें। इसके बाद 45 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। व्हाट काज डिफरेंट क्लाइमेट्स, टेम्परेचर जो डिफरेंट मौसम क्लास करता है। इसके बाद नेपाल एंड भूटान आर द लैंड लॉक कंट्रीज, ठीक है। लैंड लॉक कंट्रीज मतलब जिसके किसी साइड भी समंदर ना हो, खुश्की हो चारों तरफ, तो इसको लैंड लॉक बोलते हैं। इसके बाद द फॉलोइंग एक्सपेक्टेशन स्टूडेंट हैव फ्रॉम ग्रुप लर्निंग, ये पेडागॉजी का क्वेश्चन है, तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन डी, टू अट्रैक्ट आइसोलेटेड स्टूडेंट टुवर्ड्स द ग्रुप। नेक्स्ट है ही इज़ जूनियर टू मी, ऑप्शन नंबर बी ठीक है। कभी भी ऐसा जुमला हो कि जूनियर या सीनियर हो, तो उसमें होगा जूनियर टू या सीनियर टू, देन नहीं होगा, ऑप्शन बी ठीक है। ये प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है। चिल्ड्रन एंड ग्रोन अप ऑल नीड बैलेंस डाइट, ऑप्शन नंबर सी ठीक है। इसके बाद मोहम्मद बिन कासिम वाज नेफ्यू ऑफ हज्जाज बिन यूसुफ, ऑप्शन नंबर डी ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ टीचर इज़ टू ऑर्गेनाइज टीचिंग वर्क, के अपने जो टीचिंग वर्क है उसको मुनज़्ज़म या अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करें, ऑप्शन नंबर सी ठीक है। इसके बाद ही हैड परफेक्ट माइंड बी एन एग्जाम्पल, एग्जाम्पलरी एग्जाम्पल। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 53 नंबर, ये है डायरेक्ट इनडायरेक्ट का, डायरेक्ट टेंस गिवन है, दे से टू एस यू आर नॉट रिटर्निंग आवर बुक्स। तो आपने ये देखना है, अगर ये अक्सर में ये पास्ट में होता है, अगर ये प्रेजेंट टेंस में हो दे से टू एस, तो ये जो रिपोर्टिंग स्पीच है, रिपोर्टर जिसको रिपोर्टिंग स्पीच बोलते हैं, ये रिपोर्टेड स्पीच है। तो ये रिपोर्टिंग स्पीच अगर डायरेक्ट उसमें हो, प्रेजेंट में हो, तो ये रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होगा, मतलब ये आर जो है वाज या हैड में कन्वर्ट नहीं होगा, आर ही रहेगा, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन सी या डी में एक ठीक है, क्योंकि इसमें टेंस चेंज नहीं हुआ, तो इसमें ऑप्शन सी ठीक है,
आपने ये टू इन्होंने एक्स्ट्रा लगाया हुआ, दे आस्क अस दैट वी आर नॉट रिटर्निंग देयर बुक्स, ऑप्शन नंबर सी ठीक है, इसका टेंस चेंज नहीं होगा। द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस डिपेंड अपॉन, डिफ्यूजन का रेट किस चीज़ पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है इन तीनों पे ठीक है, टेम्परेचर, मॉलिक्यूलर मास, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, ऑप्शन डी ठीक है इसमें। नेक्स्ट है रिड्यूसिंग द मासेस ऑफ द बॉडीज टू हाफ, द ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी, ग्रेविटेशन फोर्स कितनी कम हो जाएगी, ग्रेविटेशन फोर्स डायरेक्ट प्रोपोर्शन होती है मासेस की, इस किस्म का फार्मूला है एम वन एम टू डिवाइड बाई आर स्क्वेयर, ये एम वन है ये एम टू है, तो अगर इसको आप हाफ करें, फर्ज करिए चार चार हैं, 16 आंसर आता है इनका, इसको हाफ करेंगे तो इसका दो दो करते हैं इसको आप, दो दो चार, तो 16 से चार पे आंसर आ गया, तो इसका मतलब है वन फोर्थ, 1/4 कम होगा, 1/4 कम होगा या 4 टाइम कम होगा, 4 गुना फोर्स कम हो जाएगी अगर आप मास को आधा करते हैं दोनों को, ऑप्शन डी ठीक है। इसके बाद कोलेस्ट्रोल इज रिप्रेजेंटेटिव एग्जाम्पल ऑफ स्टेराइड, कोलेस्ट्रोल किसकी एग्जाम्पल है, स्टेराइड की। इसके बाद द एक्सप्रेशन 1% कैन बी रिटन एज, 1% को आप किस तरह लिख सकते हैं, 1/100 सिंपली, कोई भी नंबर अगर फर्ज करो 90% है तो इसको आपने 90/100 ठीक है, सिंपल सा एक क्वेश्चन है ये, ऑप्शन ए ठीक है। इसके बाद पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन शुड इनकॉर्पोरेट द एसेंशियल प्रिंसिपल ऑफ इस्लाम विच आर एज गुड एज रेलिवेंट इन आवर डे एज 1300 ईयर्स अगो, बट पाकिस्तान शुडन बी ए थियोक्रेटिक स्टेट, तो ये किसका बयान है, ये आप खुद पढ़ सकते हैं ठीक है, ये किसका बयान, ये कायदे आजम का बयान, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद वन द स्टूडेंट बिकम फेल इट कैन बी अंडरस्टूड दैट, अगर स्टूडेंट फेल होता है, पेडागॉजी के क्वेश्चन है, तो उसका क्या मतलब है, इसका मतलब है सिस्टम फेल हुआ है, टीचर फेल हुआ है, बुक फेल हुई है, या इंडिविजुअल फेल हुआ है, मतलब स्टूडेंट खुद फेल हुआ है, ऑप्शन नंबर डी ठीक है, इसमें डी ऑप्शन इज द राइट वन। नेक्स्ट है बिलाल इज ग्रेटर, ये ग्रेटर नहीं है, ये गलत है, यहाँ पे मिस्टेक हुई है, टाइपिंग में मिस्टेक हुई है, ये है गेटिंग, गेटिंग आउट ऑफ कार, ग्रेटर की बजाय यहाँ पे गेटिंग है, कार से उतर रहा है, इज गेटिंग आउट ऑफ कार, ऑप्शन ए ठीक है। नेक्स्ट है द सिंबल फॉर द वर्ड एग्रेसिव, एग्रेसिव कहते हैं जारहाना या वसीले को, तो इसका राइट ऑप्शन या इसका सिनोनिम सेम मीनिंग वाला वर्ड जो है सिंबल, ये है क्वारलसम, ऑप्शन नंबर सी ठीक है। शेप ऑफ अमोनिया इज, शेप ऑफ अमोनिया का ट्राइगोनल होता है, पैरामिडल भी होता है, इसको ट्राइगोनल पैरामिडल कहते हैं अमोनिया के शेप को, लेकिन ट्राइगोनल ज़्यादा बेटर है ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ठीक है। इसके बाद बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट नॉर्मल प्रेशर, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या, 212 फारेनहाइट, टेम्परेचर फारेनहाइट में भी और सेंटीग्रेड दोनों में नापा जाता है, तो फारेनहाइट में जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 212 होता है जो 100 डिग्री के बराबर होता है, और फ्रीजिंग पॉइंट 32 डिग्री होता है ठीक है, ये 32 डिग्री जो है ये 0 सेंटीग्रेड के बराबर होता है, और 212 फारेनहाइट जो है 100 सेंटीग्रेड के बराबर होता है ठीक है, तो पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है ये 212 होगा और फ्रीजिंग पॉइंट 32 फारेनहाइट, ये भी याद रखें। लिपिड इज इम्पॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ऑप्शन नंबर डी ठीक है इसमें, ये ऑप्शन डी ठीक है इसमें, सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल का इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या होता है, ये सेलुलोज से बना होता है, अगर सेलुलोज होता तो सेल वॉल होता, लेकिन लिपिड जो है सेल मेम्ब्रेन का पार्ट होता है ठीक है। नेक्स्ट है द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है, टू, क्योंकि टू के दो फैक्टर हैं, टू भी इस पर डिवाइड होता है और वन भी इस पर, अगर इससे ज़्यादा हो तो उसको कंपोजिट बोलते हैं, तो ये स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो है टू है, वन जो है प्राइम और कंपोजिट कोई नंबर नहीं है। इसके बाद +5 -7, ये सिंपली 5 -7 -2 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। 1/3 × 3/5, ये भी सिंपल क्वेश्चन है, 1/3 × 3/5, 3 3 कट जाएगा, ऑप्शन नंबर बी ठीक, 1/5 आ जाएगा। नेक्स्ट है डेसिमल फॉर्म ऑफ 40%, ये भी इजी है, 40% को अगर आप यूँ लिखते हैं, 40/100 लिखेंगे तो ये आपके पास 0.4 आ जाएगा, अगर 4/100 है तो 4/100 का ये आंसर होगा, लेकिन इस क्वेश्चन में आंसर होगा 0.4, इसको सॉरी ये गलत है,
ये हो जाएगा 0.4, ऑप्शन नंबर सी ठीक 0.4 हो जाएगा, और 4 का ए बनता है ठीक है, लेकिन 40 का बी ऑप्शन सी बनेगा 0.4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द होली कुरान वॉज फर्स्ट ट्रांसलेटेड इंटू पर्शियन लैंग्वेज बाई शाह वली उल्लाह, ऑप्शन सी ठीक है। इसके बाद इन्वायरमेंट एजुकेशन शुड बी टॉट इन स्कूल बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ, ठीक है, जो माहौलियाती तालीम बच्चों को देनी चाहिए क्योंकि ये ज़िंदगी का हिस्सा होता है। चूज़ द करेक्ट वन, यू ही एंड आई आर फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये बताता चलूँ, अगर इस किस्म का जुमला हो तो इसमें आपने देखना है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। सबसे पहले इसमें होगा सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन, इस किस्म के जुमले में, तो इसमें ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा ठीक है। लेकिन अगर कन्फेशनरी स्टेटमेंट है, कोई गलती मान रहा है, मतलब आई यू एंड ही आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मिस्टेक, अपनी गलती मान रहे हो या कोई जुर्म वगैरह, ठीक है, कन्फेशनल स्टेटमेंट इसे कहते हैं, तो उसमें ऑप्शन डी आएगा ठीक है। लेकिन नॉर्मली जो होता है वो ऑप्शन ए ठीक होगा। इसमें 1, 2 और 3 तरतीब आपने रखनी है। फर्स्ट पर्सन कहते हैं इसे, यू को सेकंड पर्सन और ही को थर्ड पर्सन। नेक्स्ट है, विजन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो इसमें कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये सोडियम आएगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा, जिसमें जिस पे माइनस चार्ज होता है, तो इस पे माइनस चार्ज होता है क्लोरीन पे। जिस पे पॉजिटिव चार्ज होगा उसको रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग नहीं है, ऑप्शन नंबर डी ठीक होगा, ये याद रखें ठीक है। इसके बाद 1 किलोग्राम मास काइनेटिक एनर्जी अप्रॉक्सीमेटली 1 जूल व्हेन इट्स स्पीड इज, मास जो है 1 किलोग्राम काइनेटिक एनर्जी 1 जूल है, तो इसकी स्पीड आपने मालूम करनी है। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला बता दूँ, 1/2 mv² इसमें ये भी 1 है ये भी 1 है, तो ये बन जाएगा 1 = 1/2 v² तो v² = 2 v = √2 हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 1.4 ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला भी याद रखें, वो है mg और h, ये पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है, ये भी पूछा जा सकता है ठीक है। मास, ग्रेविटी और हाइट। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हेपेटाइटिस इज मोर कंटेजियस, कौन सा ज़्यादा वबाई है, ज़्यादा जल्दी फैलता है, ये है हेपेटाइटिस ए HAV। इसके बाद 2x + 3 = 9 इक्वेशन इज ट्रू फॉर, ट्रू फॉर का मतलब है कि आपने एक्स की वैल्यू मालूम करनी है, तो इसमें आ जाएगा x = 3 ठीक है। ये हो जाएगा 2x = 6 और x = 3, ये 3 साइड पे आ जाएगा ठीक है। इसके प्लस 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन इज, इसको बोलते हैं इंटीजर्स ठीक है। प्लस माइनस वाले जो नंबर होते हैं, अगर 0, 1, 2, 3 हो तो इसको होल नंबर, अगर 1, 2, 3 हो तो इसको नेचुरल नंबर बोलते हैं। नेक्स्ट है, द प्रोडक्ट ऑफ 2x³ + 4x³ इज, तो प्रोडक्ट इसको करेंगे 3, 4, 12 और एक्स को अगर आप एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये पावर जमा हो जाएगी 2 + 3 ठीक है, तो ये 5 हो जाएगी 12x5 ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ठीक है। इसके बाद है, हु डिवाइडेड बंगाल इनटू ईस्ट एंड वेस्ट बंगाल, तो लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन नंबर ए ठीक है। द एडवांटेज ऑफ होमवर्क इज दैट, ऑप्शन नंबर ए ठीक है, मे डिवेलप द हैबिट ऑफ सेल्फ स्टडी, के स्टूडेंट को खुद काम करने की आदत पड़ जाए। इसके बाद ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस ए कमांड और रिक्वेस्ट, तो ये इसको बोलते हैं इम्पेरेटिव था कुमाना, ऑप्शन नंबर बी ठीक है। इसमें अगर आपको वीडियो तेज़ लग रही है, मतलब आपको लग रहा है कि मैं तेज़ तेज़ पढ़ूँ, तो आप वीडियो को रोक लें, क्वेश्चन को पढ़ लें एक दफ़ा और ऑप्शन को देख लें, तो आपको ईजिली हो जाएगा ठीक आपके लिए। मैं सिर्फ ऑप्शन इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि टाइम कम है, वीडियो को मैंने जल्दी कम्प्लीट करना है। इनको हमने अलहदा पार्ट्स में भी किया हुआ है, मतलब मैथ्स, पाक स्टडी, साइंस, सब को हमने 5 पार्ट में इस वीडियो को अलहदा भी किया हुआ है ठीक है। वो हमारे चैनल पर मौजूद है, आप उसमें देख सकते हैं, उसमें हमने आराम से और एक्सप्लेन करके बताया आपको सारा कुछ। नेक्स्ट है, द एंटोनिम ऑफ बोल्ड इज, बोल्ड का एंटोनिम क्या है,
अपोजिट मीनिंग वाला वर्ड, तो इसको बोलते हैं टिमिड डरपोक। ठीक है, नेक्स्ट है द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन HNO3, तो ये है +5। ठीक है, क्योंकि O3 O का -2 होता है, तो 3 O का -6 हो जाएगा, H का +1 हो जाएगा और इसका +5, तो +5 इज इक्वल टू प्लस प्लस 6 इज इक्वल टू -6, आपने बराबर करना है 0 के बराबर। ठीक है, तो इसका हो जाएगा +5। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस मोर सीवियर बर्न, कौन सा ज़्यादा सख्त बर्न काज करता है जलाओ, तो ये जलता है जिससे ज़्यादा बंदा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी स्टीम। इसके बाद है द नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट इन द हेड ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, ऑप्शन नंबर डी 4, 3/7 ऑफ 14। जैसे मैंने पहले कहा किसी भी नंबर का ऑफ हो तो 3/7 ऑफ 14 ये हो जाएगा 6, और 6 दुने ये 2 है, सॉरी इसको दोबारा करते हैं, 3/7 × 14। ठीक है, ये 2 हो जाएगा, 2 3 6, ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है HCF ऑफ 8, 4 एंड 6, तो इसका क्या हो जाएगा 2। इसकी मैं एग्जांपल दे देता हूँ, ठीक है, इसकी एग्जांपल है ये, आपने दोनों नंबर के फैक्टर बनाने हैं, फैक्टर का मतलब उस पर डिवाइड करना है, 1 पे भी डिवाइड होता है, 2 पे, 3 पे, सब पे डिवाइड होता है, ये भी 27 भी 1, 3, 9 पे डिवाइड होता है। ठीक है, तो सबसे बड़ा जो फैक्टर है ये जो येलो नज़र आ रहे हैं ये 18 के फैक्टर हैं, और ये जो येलो नज़र आ रहे हैं ये 27 के फैक्टर हैं। तो सबसे बड़ा जो फैक्टर होगा, जो कॉमन होगा, दोनों में मौजूद सबसे बड़ा फैक्टर, 3 भी इधर मौजूद है, 1 भी, सबसे बड़े फैक्टर को आपने लेना है, इसको कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, इस तरह जो 2, 4 और 8 है इसका जो कॉमन फैक्टर है वो 2 होगा, 2 जो है इसका सबसे बड़ा फैक्टर है, 4 का भी है, और ये सबसे बल्कि सब में मौजूद ये फैक्टर है, क्योंकि 2 जो है इन सब में आता है, तो इसको कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसमें बी ठीक हो जाएगा। इसके बाद द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रैमजे मैकडोनल्ड अनाउंस द कमर्शियल अवार्ड एट द एंड ऑफ 32 इन 1932 एट द एंड ऑफ सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, दूसरी गोल में इस कॉन्फ्रेंस के अख्ताम पे, हाइट ऑफ K2 गार्डन एस K2 को कहते हैं कितनी, 28,551 फीट। द हायर यू गो द मोर डिफिकल्ट इट बिकम्स, ठीक है, क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है, तो इस बिकम्स आ जाएगा, ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा। इसके बाद है इन पायरेट्स स्टोरी देयर आर गुड गाइज एंड बकनियर्स, बकनियर सिंपली बकनियर का मतलब पूछे, बकनियर क्या है, बकनियर कहते हैं भैरी, डाकू या कज़ाक, इसमें ऑप्शन डी ठीक है, इसका जो सिनोनिम वर्ड है। इसके बाद है ही कुड सिंग हाई नोट्स व्हेन ही वाज यंग एंड हिज वॉइस हैज चेंज, कुड जो है पास्ट टेंस के लिए यूज होता है, तो यहाँ पे कुड आएगा, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जाने बढ़ते हैं, 93 वर्टिकल कॉलम इन द पीरियोडिक टेबल, वर्टिकल कॉलम को क्या कहते हैं, इनको कहते हैं ग्रुप्स। ठीक है, यू जो होते हैं पीरियोडिक टेबल में ये इनको बोलते हैं ग्रुप्स, ये सारे ग्रुप्स हैं, और ये जो है पीरियड्स होते हैं, ये भी याद रखें, जो हॉरिजॉन्टल होते हैं उन्हें पीरियड कहते हैं, इससे सी टी को जाएगा। इसके बाद 30% कैन बी रिटन एज 0.3, 30/100, तो इसका आंसर 0.3 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। 0.03 जो है वो 3% हो तो ऑप्शन बी ठीक होता। व्हाट इज 20% ऑफ 80, तो 20% ऑफ 80 क्या होगा, 20/100 × 80। ठीक है, सिंपली आपने 20/100 ऑफ मल्टीप्लाई करके, तो इसका आंसर आता है 16, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। इसके बाद द एक्सप्रेशन 7/4 तकसीम, ये 7/4 तकसीम 7/48, तो इस तकसीम को आपने उलट करना है, नंबर उलट हो जाएंगे और ये उसमें कन्वर्ट हो जाएगा ज़रब में। ठीक है, 48 ऊपर चला जाएगा और 77 नीचे आ जाएगा, 4 12 48, 7 11,
77 12 बटा 11 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। इसके बाद मोस्ट ऑफ द वाटर इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट कम्स फ्राम, ज़्यादातर पानी जो नॉर्दर्न पार्ट शुमालिया के जात में कहाँ से आता है, रिवर से आता है। नेक्स्ट है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्रीकल्चर एरिया ऑफ पाकिस्तान, इंडस वैली, इंडस वैली में ज़्यादातर एग्रीकल्चर एरिया है ठीक है, ऑप्शन नंबर डी ठीक है। टीचर बिहेवियर आर टू बी, टीचर का बिहेवियर क्या होना चाहिए, मिसाली होना चाहिए, आइडियलिस्टिक, ऑप्शन नंबर बी ठीक है। इसके बाद है आई एम राइटिंग ए लेटर, इसका आपने बताना है करेक्ट पैसिव वाइज, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए लेटर इज बीइंग रिटन बाय मी, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा ठीक है। दोस्तों ये थी आज की वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।